इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। अच्छा, ये भी दो चीजों के दरम्यान में कंपैरिजन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ बिजनेस जो कि आप शुरू करने लगे हैं एंड यू हैव अ बैंक, बिजनेस और बैंक के दरम्यान में कंपैरिजन है। देखिए, बिजनेस आप इसलिए चलाते हैं कि इसमें से आपको एक इंटरेस्ट मिल सके, एक प्रॉफिट मिल सके। कि जनाब, आपने बिजनेस शुरू किया 2 लाख रुपए का, फिर आपको 50,000 मिला पहले साल, 50,000 मिला दूसरे साल, 50,000 मिला तीसरे साल, 50,000 मिला चौथे साल, तो आपने जो है ना वो बिजनेस शुरू कर दिया, आपने मशीनें लगा ली, लोगों को हायर कर लिया। तो असल में तो आपका मकसद ये है ना कि हर साल के एंड में आपको कुछ पैसे मिले। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बिजनेस भी मालिक के लिए, ऑनर के लिए एक बैंक की तरह ही होता है, जिसमें आपने कुछ पैसे लगा दिए, यानी कि डिपॉजिट करा दिए, और वो बिजनेस आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसे दे रहा है, राइट? अच्छा, अगर वो बिजनेस आपको पैसे दे रहा है और वो आपका बैंक, अगर हम उसे कंसीडर करें, तो उस बैंक का रेट क्या होगा? वो बैंक आपको किस रेट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है? दैट रेट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है कि अगर हम अपने बिजनेस को एक बैंक समझें और उस बैंक में कुछ इन्वेस्ट कर दें, यानी कि जब हम बिजनेस शुरू करने लगते हैं तो हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, इसी तरीके से अगर हम लोग एक बैंक में पैसे रखते हैं तो पैसे उसमें भी डालने पड़ते हैं। तो ये समझ लें कि ये दो बॉक्सेस हैं, एक बिजनेस है और एक बैंक है। हम बिजनेस में भी पैसे डालेंगे तो पैसे तो डालने पड़ेंगे, हम बैंक में पैसे डालेंगे तो उसमें भी पैसे डालने पड़ेंगे, दोनों से हमें फिक्स अमाउंट ऑफ कैश मिल रहा है। हाँ, ये है कि जब हमने बिजनेस शुरू किया है तो उसकी एक एक्टिविटी है, सारा कुछ है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम लोग इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करें तो दोनों ही सेम तरीके से काम कर रहे हैं। तो बिजनेस को अगर हम लोग एक बैंक ट्रेड करें तो उस बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अच्छा, एक बिजनेस है, उसका हम IRR फाइंड करते हैं कि ये बिजनेस जो है ना, ये एक्चुअली आपको 15% के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं अभी, वो क्या होती है। और जनाब, IRR 0% पे फाइंड करें तो वो पता नहीं क्या होता है, NPV 0 हो जाती है, उस चीजों को साइड पे कर दें। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि IRR एक्चुअली है क्या। एक बिजनेस है, उस बिजनेस में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे हमें रिटर्न मिलता है, तो वो भी तो एक बैंक की तरह ही ट्रीट कर रहा है, अगर हम सिर्फ इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात करें। और वो बिजनेस हमें जितने भी पैसे दे रहा है, जितना भी बेनिफिट दे रहा है, अगर हम उसका एक सिंगल रेट फाइंड आउट कर पाए किसी भी तरीके से, और वो रेट है 15%, कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। और बैंक जो है वो मुझे रेट दे रहा है 14%, तो बिजनेस मुझे ज्यादा रेट दे रहा है, क्या ख्याल है? बिजनेस मुझे सेम इन्वेस्टमेंट के ऊपर 15% इंटरेस्ट दे रहा है, और अगर वो मैं इन्वेस्टमेंट बैंक में जमा कराऊंगा तो मुझे बैंक 14% इंटरेस्ट देगा। तो अगर बैंक वाले मेरे पास आके बैठे होंगे, सर आप क्या बिजनेस शुरू करने लगे हैं, आप ऐसे करें, बिजनेस ना शुरू करें, ये जो आपने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाना है ये मुझे दे दें, मैं आपको 14% के हिसाब से इंटरेस्ट दे दूंगा। मैं कहूंगा, भाई जनाब, ये जो बिजनेस है ये मुझे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, इस बिजनेस से मुझे 15% के हिसाब से बेनिफिट हो रहा है, मैं आपके पास 14% पे क्यों रखूं, ये तो मुझे नुकसान हो जाएगा। अच्छा, बैंक कहता है चले जी आप 16% इंटरेस्ट ले लें, मैं सोचूंगा कि मेरा बिजनेस जो है वो मुझे 15% का प्रॉफिट दे रहा है और बैंक मुझे 16% का प्रॉफिट दे रहा है, अब मैं बिजनेस नहीं करूंगा, अब मैं बैंक को पैसे जमा करा दूंगा, ये 2 लाख अब मुझे बिजनेस में नहीं लगाने चाहिए बल्कि ये 2 लाख रुपए मुझे उठा के बैंक को दे देने चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि एक बिजनेस को अगर हम लोग बैंक की तरह ट्रीट करें तो ये जो हमें आउटफ्लोज दे रहा है, जो हमें बेनिफिट्स दे रहा है हर साल हर साल, ये इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? उस इंटरेस्ट रेट को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इफ ए प्रोजेक्ट इज ए बैंक, अगर ए प्रोजेक्ट को हम बैंक ट्रीट करें, व्हाट विल बी द इस रेट ऑफ रिटर्न? द रेट कैन बी वर्क बैक फ्रॉम कैश लॉस। ये बिजनेस हमें जिस तरह से भी कैश लॉस दे रहा है, उन तमाम कैश लॉस से हम वर्क बैक कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। और मजे की बात यह है कि उसको फाइंड करने का कोई अलग तरीका नहीं है, आपने जो है ना वो उसको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा रेट होगा जिस रेट के ऊपर इनकी जो है ना वो
जो रिटर्न है वो उसका एनपीवी जो है ना वो जीरो होगी। ठीक है। अच्छा, आईआरआर कैलकुलेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स मैटर, ये डिफिकल्ट काम है, इसमें एक्सट्रापोलेशन भी होती है, इसलिए आईआरआर को कैलकुलेट करना आपकी बुक में नहीं। ठीक है। हालांकि अब आपके पास कैलकुलेटर जो है वो उनसे आप बहुत इजीली एग्जैक्ट आईआरआर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आईआरआर की एस्टिमेशन का फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ। ठीक है। आईआरआर की एस्टिमेशन का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है कि आपके पास किसी भी बिजनेस के तमाम कैश फ्लोज होने चाहिए और आप उन कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें कोई से अपनी मर्जी के दो रेट्स के ऊपर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अपनी मर्जी के कोई से दो रेट्स आप लें, उनके ऊपर एनपीवी फाइंड आउट करें और यह फॉर्मूला लगाएं कि आईआरआर इज इक्वल टू 8%, यानी कि जो पहला रेट होगा उसको 8% कह लें, जो दूसरा रेट होगा उसको 20% कह लें, 8% के ऊपर जो एनपीवी होगी उसे एनपीवी एट ए कह लें और 20% जो होगी उसे एनपीवी बी कह लें। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा 8% प्लस एनपीवी एट ए डिवाइडेड बाई एनपीवी एट ए माइनस एनपीवी एट बी इंटू बी माइनस 8%। तो आप जो फाइंड आउट करेंगे वो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट होगा जो बिजनेस का अपना जाती पर्सनल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि बिजनेस को अगर हम एक बैंक बैंक ट्रीट करें तो वो बैंक हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहा होगा वो यहां से पता चलेगा। अच्छा, लेकिन जब आप डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने रेट अज्यूम किया 12% और 13%, तो उसका आईआरआर का आंसर कुछ और आता है, और एक बच्चा जिसने 10% और 15% के रेट्स अज्यूम किए हुए उसका आईआरआर सेम फॉर्मूले से सब कुछ सही करने के बावजूद भी डिफरेंट आता है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका इंटरेस्ट रेट आया 11.1% तो वो हो सकता है 11.5% होगा। ठीक है, वो 11.7% होगा, तो थोड़ा सा प्लस माइनस आप कह सकते हैं कि 1% का फर्क जो है ना वो इसमें आ जाता है। 1% भी बहुत बड़ा फर्क है, तो जो है ना वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में फर्क आ जाता है। इसलिए आईआरआर के फॉर्मूले को हम आईआरआर एस्टिमेशन का फॉर्मूला कहते हैं, आईआरआर कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं कहते। अच्छा, कभी आपको आईआरआर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए तो आपने आईआरआर के लिए अपनी मर्जी के दो रेट्स लिए और उन दोनों रेट्स के ऊपर जो है ना वो आपने एनपीवी फाइंड आउट किया, फॉर्मूला में पुट किया, जो आंसर आया उसके नजदीक नजदीक आपने ऑप्शन ढूंढ लेनी और उसको टिक कर लेना। राइट, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द आईआरआर। आईआरआर की एस्टिमेशन जो है वो इस तरीके से करते हैं। तो आईआरआर की एस्टिमेशन कर लेने के बाद होता ये है कि बच्चों को ये चीज हजम ही नहीं होती कि अपनी मर्जी के दो रेट्स लेने हैं। बच्चे इस चीज को मानने के लिए, अब्जॉर्व करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनको भी कोई डिसीजन करने के लिए कह दिया गया, वो इतने परेशान हो जाते हैं कि सर ये पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैंने डिफरेंट जो बीएफडी के टीचर्स हैं, जो कैपेट के टीचर्स हैं, सब लोगों से मशवरा किया और उसके बाद मैंने एक अप्रोच डेवलप की है जो कि मैं चाहता हूं कि सब लोग उसी एक अप्रोच को फॉलो करते हुए आईआरआर जो है ना वो फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उस अप्रोच में कोई मुजायका नहीं है। ठीक है जी। वो अप्रोच ये है कि सबसे पहले आप 10% इंटरेस्ट रेट लें, आपने दो इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यूम करने ना, दो इंटरेस्ट रेट, तो एक इंटरेस्ट रेट लें आप 10%। अच्छा, और उसके ऊपर एनपीवी फाइंड आउट करें। दिस विल बी योर स्टेप नंबर वन। अगर आपने 10% के ऊपर जो एनपीवी फाइंड आउट किया है अगर वो पॉजिटिव आती है तो जो अगला रेट है वो मजीद बड़ा कर लें, यानी कि 15% कर लें। ठीक है जी। और अगर एनपीवी नेगेटिव आती है तो अगला रेट इससे छोटा ले लें, यानी कि 5% ले लें। ठीक है, दो रेट ले लें। इन दोनों रेट्स को यूज करते हुए आप आईआरआर फाइंड आउट करेंगे तो जब, क्योंकि सारे ही लोग सेम रेट यूज कर रहे होंगे तो उनका आंसर सबका सेम आएगा। मसला ये होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक का आंसर 11.1% आ रहा होता है, एक का 11.2%, एक का 11.5%, तो सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैसे है। ये इसलिए है कि आप आईआरआर को एस्टिमेट कर रहे हो। आईआरआर की एस्टिमेशन में थोड़ा बहुत फर्क अगर आंसर में आ जाता है तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आईआरआर की जब एस्टिमेशन के लिए ये आप एक्सट्रापोलेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे तो देन आपने कोई से भी अपनी मर्जी के दो रेट्स ले लेने हैं। अगर आप मेरे से मेरी मर्जी पूछें तो मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहला रेट लें 10% और उसके ऊपर एनपीवी फाइंड आउट कर लें। अगर उसकी एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो अगला रेट 15% ले लें, और अगर उसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो अगला रेट 5% ले लें। ठीक है जी। दिस इज सिंपल। और उसके बाद जनाब आप इन दोनों रेट्स को इस फॉर्मूला में पुट करें, आईआरआर फाइंड कर लें। ठीक है जी। तो आईआरआर इज द इंटरनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एक बिजनेस आपको दे रहा है
अगर हम उस बिजनेस को एक बैंक ट्रीट करें तो उस बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, और हम लोग उसको बैंक के ऑफर रेट के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो बिजनेस हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फर्ज करें कि IRR को अगर हम बैंक के रेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और IRR बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट शुरू करना बेहतर है। और अगर IRR फाइंड आउट किया और वो बैंक के रेट से छोटा है, तो हम कहेंगे कि बैंक जो है वो ज्यादा बेहतर है। और अगर IRR शुरू किया और वो बैंक का रेट के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑप्शन सेम है, प्रोजेक्ट भी शुरू किया जा सकता है और बैंक में भी पैसे जमा कराए जा सकते हैं, ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। और अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर होगा जिसकी IRR बेहतर है, जिसकी IRR बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड बी, एक प्रोजेक्ट की IRR आ रही है 12% और एक प्रोजेक्ट की IRR आ रही है 13%, तो हम कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट जो हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब ये वो प्रोजेक्ट जिसकी IRR बड़ी है, वो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देगा, वो हमें ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रूल इज कंपैरिजन बिटवीन ए बिजनेस एंड ए बैंक, एंड कंपैरिजन रूल इज एक्चुअली बिजनेस वर्सेस बिजनेस। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रूल्स भी डिफाइन कर लिए कि इन ऑप्शंस को, इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे जनाब दो यूजेज प्रेजेंट वैल्यू के। एक्चुअली तो दोनों में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक दफा नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और IRR में दो दफा नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और इसके बाद आपने तीसरा स्टेप ये करना होता है। तो दो बिजनेसेस का आपस में कंपैरिजन या बिजनेस और बैंक का आपस में कंपैरिजन जो है, जिसे हम फिजिबिलिटी रूल कहते हैं, उन दोनों के रूल्स जो है वो हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की जो है ना वो चीज बताते हैं कि अगर हम लोग जो IRR रेट होता है, ये एक रेट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये होगा 10% या 11%, जो भी होगा ये एक परसेंटेज रेट होगा। अगर हम एक बिजनेस की एनपीवी फाइंड करें एट IRR, तो वो जीरो आएगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपने याद कर लेनी, ठीक है। ये IRR की एक निशानी भी है, और कुछ लोग जो है ना वो इसको, IRR को फाइंड करने का ये तरीका भी बताते हैं कि आप एक इक्वेशन बनाएं जिसमें बिजनेस के इनफ्लोज की या आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, और वो जीरो हो जाए तो वो जिस रेट पे जीरो होगी वो IRR होगा। ठीक है जी, तो IRR को फाइंड आउट करने का एक तरीका तो हमने ये देखा कि हम लोग क्या करें, हम लोग दो रेट्स लें, 1% और 20%, और उसके ऊपर जो है ना वो IRR का फॉर्मूला लगाएं, वो 1% प्लस NPV एट ए, वो जो भी फॉर्मूला था वो यहाँ लगाएं। दिस इज द मेथड वन टू फाइंड आउट द IRR। मेथड टू IRR का ये है कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करें। हम फर्स्ट करें, बात करते हैं जी कि एक बिजनेस है जिसके कुछ आउटफ्लोज हैं और उसके कुछ इनफ्लोज हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, आउटफ्लोज जो है ना वो नेगेटिव लिखते हैं, तो हम इसके ब्रैकेट लगा देते हैं या इसको हम नेगेटिव लिख देते हैं, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। और ये प्रेजेंट वैल्यू किस रेट के ऊपर, IRR के रेट के ऊपर। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एट IRR इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑफ आउटफ्लोज एट IRR। ठीक है जी, इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग किसी बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं IRR वाले रेट के ऊपर, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जीरो आती। या फर्ज करें कि हम NPV फाइंड कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक बिजनेस की, और वो जीरो आ जाती है, तो हम कहेंगे कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिस रेट पे ये NPV फाइंड आउट हुई है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू IRR। ठीक है जी, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन NPV एंड IRR, कि अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें उस रेट के ऊपर जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है जी, इस प्रॉपर्टी को एग्जामिनर इस तरीके से और इस तरीके से भी टेस्ट करता है। ठीक है जी,